हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। मैं उत्तम आप सभी का दिल खुलकर स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे अमेजिंग मैथ सॉल्वर पे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो टाइप 1-3 मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी बच्चे नहीं देखें जाकर चैनल पर जाकर देखिए, ठीक है, और इन्जॉय कीजिए। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 4, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास होने वाला है दमदार, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है टाइप 4 में। टाइप 4 हम लोग चल रहा है ना, टाइप 4 है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेयरिंग बनाना पड़ता है। पहले पेयरिंग ऐसा बनाना है, किसका किसका पेयरिंग बनाएंगे, दो किसी भी दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 5 और किसका बनेगा, 5 और 85 का बनेगा, फिर किसका बनेगा, 10 और 80 का बनेगा। बस इतना ही समझना है, क्वेश्चन हो जाएगा क्लास। देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अच्छा साइन स्क्वायर 85 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस 5 डिग्री। उसी तरीके से योग चेंज करना, योग छोड़ना है। अच्छा साइन स्क्वायर कितना आ गया, 10 डिग्री। अच्छा साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1, इसका वैल्यू 1, 1, 1, 2 आ गया आंसर। ऐसे भी अगर जो पेयरिंग बनाएंगे दोनों का सम अगर 90 है तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा क्लियर कर दिया, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हमको सबसे पहले क्या, इसमें भी वही बात है, पेयरिंग करना पड़ेगा, किसका, जिसको जोड़ने पर हमको 90 आया, तो 25 और किसका पेयरिंग बनेगा, 25 और बनेगा 65 का, फिर बनेगा 35 और 55 का, और फिर बनेगा 45 का। तो एक स्टेप हम लिखते हैं, अब तो समझ में आना चाहिए। देखिए 3 tan 25, अच्छा tan 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको। उस तरीके से tan 35 को एगो रहना है, एगो को चेंज करना है, तो tan जो 55 है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 55 35, तो ना 55 होगा, और tan बता दें वैल्यू कितना होता है, 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ से tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan 25 गुना cot 25 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 और उसका इसका भी कितना आ जाएगा, 1, 3 × 1 कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, बस पेयरिंग बनाना है, आंसर लाना है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण के लिए A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, tan A प्लस tan 2A प्लस tan 3A बराबर tan A इंटू tan 2A इंटू tan 3A। इसका पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, पहले जो मेरा पहला पार्ट था उसमें ये प्रूव करना था, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों बराबर है, इसका एंगल निकालना है, मतलब A का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है कितना है, पाई बाई 3, 2π/3, π/6, ऐसे करके दिया गया है। तो इसको एक तो वैल्यू पुटिंग से बनाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है, इसको बनाइए ऐसे। अच्छा मेथड क्या है, tan tan A प्लस tan 2A, तो tan 3A को उधर लेकर चल जाते हैं, तो उधर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3A, अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, tan A इंटू tan 2A, अभी क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा अब इसको इसको नीचे लेकर आइए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। टेन ए प्लस टेन टू ए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा क्या चीज़ में आया हुआ है ये एनटीपीसी में आपका आया हुआ है। अच्छा इसको टेन ए इंटू टेन टू ए माइनस वन है, तो इसको उल्टा अगर यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस करके, तो वन माइनस अगर लिखते हैं टेन ए इंटू टेन टू ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन थ्री ए, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग माइनस लिख रहे हैं यहाँ पर, उल्टा करके लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरा का फॉर्मूला ये होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टू ए कितना, थ्री ए, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये भी टेन थ्री ए हो जाएगा, बराबर जीरो हो गया, यहाँ से कितना आ गया जी, टू टेन थ्री ए बराबर जीरो, तो टेन थ्री ए का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये जो टेन जीरो किसका होता है, इसका जनरल वैल्यू होता है टेन जीरो का ना। अच्छा टेन जीरो बराबर जीरो होता है। अच्छा टेन थीटा और टेन अल्फा कल ही बताए थे, कल वाला क्लास में, कि टेन अल्फा टेन टेन थीटा टेन अल्फा, तो थीटा क्या होता है, मतलब थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, तो जीरो ही रह गया, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एन पाई बाई थ्री। तो इसमें पूछ कर रहा सवाल कि इसका जो वैल्यू होगा, तो एन का हमको वैल्यू रख देना है, तो ऑप्शन क्या है, तो एन का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा वैल्यू, एक हो जाएगा पाई बाई थ्री और एक हो जाएगा टू पाई बाई थ्री। जो ऑप्शन दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए हो गया ऑप्शन सही। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं करना, एक बार इसको और समझा देते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। इसको क्या कहिए, टेन थ्री ए को क्या लेके चल गया, उधर लेके चल गया, और इसमें से टेन थ्री ए कॉमन ले तो क्या हो गया, टेन ए इंटू टेन टू ए माइनस वन। अब इसको लाना है नीचे, तो नीचे जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पर क्या है, इतना माइनस वन है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेकर के इसको माइनस कर दिए। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का, तो टेन थ्री ए, और इसको उधर लाएंगे तो टेन थ्री ए, टेन थ्री ए कितना, टू टेन थ्री और जीरो, तो टेन थ्री और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टेन किसका जीरो होता है, टेन जीरो का जीरो होता है, और टेन थीटा और टेन अल्फा, तो थीटा और एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर एन पाई बाई थ्री आ गया, और एन का वैल्यू हम लोग पुट कर देते जाएंगे वन टू थ्री करके, तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था आपका पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब तो क्वेश्चन इस टाइप का बनना चाहिए, पेयरिंग वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला सवाल है, ये भी एन टी पी सी का आया हुआ क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 270 माइनस फाई, क्या है, कॉस स्क्वायर 270 माइनस फाई है, माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस फाई, ठीक है, फाई है, प्लस कितना, साइन स्क्वायर 90 पाई बाई टू इंटू साइन, साइन 270 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 270 माइनस फाई है। तो पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन है आपके सामने, साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर पाई बाई टू और साइन स्क्वायर फाई माइनस वन। तो इस चले पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होगा, अच्छा 270 माइनस फाई, तो इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा एक, अगर नहीं पता 270 का तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे इसको 180 प्लस 90 माइनस फाई करते हैं इसको, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे, क्लियर है। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो हम बता चुके हैं, तो साइन स्क्वायर फाई हो गया। अच्छा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, वन, तो ये हो जाएगा आपका वन। अच्छा साइन 270 माइनस थीटा, 270 हमको नहीं पता तो कोई टेंशन है नहीं, तो क्या करेंगे 180 प्लस 90 ये माइनस फाई कर देंगे इसको, इसको एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, आपका चल जाएगा इसमें, किस में चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन क्वाड प्लस बाकी सब माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, तो ये बच जाएगा कॉस, तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कॉस स्क्वायर क्या बच जाएगा, 90 माइनस फाइव बच जाएगा,
और ई हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस। अच्छा साइन 180 पर थीटा क्या होता है किस क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस थीटा, तो जीरो 90 180 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन कॉट प्लस बाकी सब माइनस, तो ये हो जाएगा साइन, तो स्क्वायर का क्या कर देगा, क्या कर देगा इसको स्क्वायर, इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कितना 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो ये कॉस 90 थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है कॉस फाइव, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव हो गया, ये दोनों कट गया तो कितना आंसर आ गया जी कॉस स्क्वायर फाइव आ गया। तो अगर वैल्यू नहीं भी हमको पता है कि कौन सा, तो हम उसको हमको पता है क्या क्वाड्रेंट वाला केस कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑल प्लस, इसमें साइन कोसेक प्लस, इसमें टेन कॉट प्लस, इसमें कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस, तो हमको इसी से हम लोग सब लोग निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, क्लियर है भाई, सब क्वेश्चन में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका NTPC का आया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, समझ में आ गया क्वेश्चन को तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये गया है आपका कॉस 100 कॉस 179 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये भी आपका NTPC का ही सवाल है। तो इस तरह के केस में तो सिंपल से ऐसा कैसे होगा, पेयरिंग अगर करते हैं इसको तो यहाँ से 1 2 3 4 5 करते करते बीच में कहीं आएगा 90 आएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, कॉस 90 का वैल्यू क्या जीरो, तो जीरो में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, बस ये देखने मानने वाला क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, इसमें बीच में क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, तो कॉस 90 क्या होता है जीरो होता है, बस यही सवाल था एक लाइन का, एक लाइन का क्या। एक लाइन का भी सवाल नहीं था, बस क्वेश्चन का ऑब्जर्व करना था मानना था। कोसेक 75 प्लस थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 75 प्लस थीटा, अच्छा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, अच्छा माइनस टेन 55 प्लस थीटा, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा है कि प्लस है, अच्छा माइनस है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये इतना सारा दिया गया है बड़ा बड़ा वैल्यू, इसको पूछ रहा है NTPC में आया हुआ सवाल है 21 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको हमको निकालना है वैल्यू। देखिए हम कल ही बताया ट्रिक में, क्या बताया है पिछले क्लास में कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो थीटा जो हमको टेंशन दे रहा है ना, इसको सबको हमको जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कट जाएगा ये सब कट जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिंपल हो गया, सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए हम समझाने के लिए लिख देते हैं कोसेक 75 माइनस ये क्या हो जाएगा सेक 15, ये कितना हो जाएगा जी माइनस टेन 55 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस है कॉट 35 डिग्री, सही है ना, सब माइनस प्लस देख लेते हैं एक बार, ये माइनस है ये माइनस है प्लस है, हाँ सही है। चलिए अब इसे करना हमको पेयरिंग बनाना, किसका किसका पेयर बनाया, जिसको जोड़ने पर 90 आया तो किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों का पेयरिंग बनेगा और क्या, देखिए इसका 75 का और 15 का बनेगा, तो क्या बनेगा जी कोसेक जो है 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, और इसको एक को चेंज करना है को छोड़ देना है, अच्छा टेन 55 को छोड़ देते हैं, आपकी मर्जी जिसको जिसको हम लोग कर सकते हैं, जो मेरा मन करेगा वही करेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस क्या करेंगे 55 कर देंगे। ठीक है, अच्छा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये आ जाएगा जी सेक 15 माइनस सेक 15, ये हो जाता है कितना टेन 55 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो कितना आ जाएगा टेन 55 डिग्री, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, ये दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया जीरो आ गया, जीरो इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको एकदम मस्त तरीके से, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 इंटू सेक स्क्वायर
59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 टैन स्क्वायर 56 डिग्री फिर वाई है टैन स्क्वायर 14 डिग्री वाई चौंतीस डिग्री बराबर वाई बाई थ्री। तो बहुत लंबा क्वेश्चन, ठीक है। तो निकालना क्या है मुझे, वाई का मान निकालना है। अच्छा चलिए, वाई का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 × sec² प्लस प्लस इतना करके ब्ला 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 है, ठीक है। ये पूरा एकदम लंबा क्वेश्चन है, यहाँ से कर पूरा बोर्ड भर गया। तो देखिए जो इस तरह क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले ये जो दोनों पेयरिंग है देखिए वो कुछ बोलेगा, ठीक है। तो सेक जो होता है, अच्छा ये सेक सेक स्क्वायर उनसे क्या लिख सकते हैं, सेक 90 − 31 मतलब सेक 90 − 30 क्या होता है कोसेक थीटा। तो इसको डायरेक्ट लिखें, इसको तो एक समझाने के लिए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3। हाल देखने में लंबा लग रहा है, साइन का वैल्यू कितना था 1, ये हो जाएगा कितना -3। अच्छा इसको पेयरिंग बनाते थे टेन 56 और 34 5 × 3 = 8 = 9 आ गया ना, तो टेन अ कॉट बन जाएगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिखें 3y = y/3। अब तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे कैसे करना है। देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, डायरेक्ट 1 आ गया। अच्छा तो ये हो जाएगा कितना जी 6 + ये हो जाएगा 2/3 बराबर कितना जाएगा 3y + y/3। तो कितना जाएगा 3 × 9 = 10y/3 और ये कितना जाएगा 36 × 18 = 20/3 बराबर 10y/3। 3 कट गया 10 × 2 = 20 तो y बराबर कितना आ गया, बस y2 आ गया। था इजी क्वेश्चन, चलिए कुछ नहीं करना था, खाली बस समझना था कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना था, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ा जाए इसी तरह से फटाफट। क्वेश्चन आया हुआ है कि sin 7π/4 × sin π/4 × sin 3π/4 × sin 5π/4 इसका हमको निकालना है मान, ठीक है। इसको मान कैसे निकलेगा, तो इसको कुछ आइडिया लग रहा है, देखिए कैसे होगा। सिंपल से पहले हमको बड़ा बड़ा जो एंगल है इसको छोटा एंगल में हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन जो है, अच्छा 7π/4 क्या लिख सकते हैं 2π, −π/4 कर दे इसको, 4 × 2 = 8 में से ये 7 हो गया। अच्छा साइन 45 तो छोटा खुद है ये है। अच्छा ये जो π/4 है देखो क्या लिख सकते हैं, π − π/4 आ गया, 4 में से गया 3 × 3π/4। अच्छा और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, इसको लिख देते हैं π + π/4। चलिए क्लियर है सबको, हम लोग छोटा एंगल में लेके आ रहे हैं। अच्छा साइन 360 − θ क्या होता है, 360 − θ मतलब किसमें किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम समझाने के लिए हम कर देते हैं, ये कितना होता है 0, ये होता है 90, 180, 270, ये 360। तो 360 में से माइनस जा रहा है मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos sec प्लस बाकी सब माइनस, तो ये हो जाएगा आपका −sin π/4। समझ में आ रहा है, हम मस्त तरीके से बता रहे हैं इसको, देखिए। और अच्छा यहाँ पे sin π/4 है, देखो क्या कर दें साइन स्क्वायर कर दें इसको इंटू साइन 180 − θ क्या होता है, इसमें क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा sin π/4 इंटू, अच्छा sin π + π/4 मतलब 180 + θ, तो 180 + θ किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan cot प्लस बाकी सब माइनस, तो ये हो जाएगा आपका −sin π/4। क्लियर है भाई सबको एकदम मस्त तरीका। देखिए तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस में चला गया, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, sin² π/4 × sin² π/4। तो साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/2, तो 1/2 × 1/2 आंसर कितना आ गया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, 1/4 आंसर आया।
चलिए क्लियर है भाई। तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक एकदम करो, आप लोग लाइक वाइक कुछ करते नहीं हो ना, कमेंट करते हो तो बहुत गलत बात है यार। लाइक वाइक किया करो, कमेंट हुई अगर अच्छा लगता तो कियो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आरब जेई का है, साइन 780 कितना है, साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री, 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, बोल रहा है कि साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले जो भी बड़ा वैल्यू इसको हम लोग क्या करना है, इसको 360 से भागा देकर इसको छोटा में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कितना हो जाएगा भाई, देखिए 780 है तो ये हो जाएगा, दोनों साइन साइन है ना, देखो मिला लेते हैं क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आर आर जेई का सवाल है। अच्छा इसको क्या करें, 360 36 दूनी 72 होता है 720 प्लस 60 इसको करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस किस में जाएगा, 360 प्लस 120 कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 6 × 2 = 8 हाँ 480 आ गया, प्लस कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। चलिए तो इसको साइन 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, बहुत बेहतरीन बता रहे हैं इसको, साइन ई कितना हो जाएगा जी, 120 डिग्री हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, 360 प्लस तो साइन 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, दुदुनी 4, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, हो जाता है 180 − θ होता है, तो √3/2 हो जाएगा, -1/4, तो कितना आ जाएगा, 3/4 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/4, तो कितना आंसर आ गया, 1/2 आ गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया। क्लियर है भाई सबको, मत अब क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का, 360 से डिवाइड करना है, आपको पता ही है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम निकाल लें, कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आरबल जेई का है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन है, जो भी बड़ा बड़ा एंगल है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको छोटा में करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए देखिए भाई कैसे होगा, जो भी बड़ा बड़ा वैल्यू है उसको पहले हम लोग छोटा में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री। अच्छा कॉस 175 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 180 − 5 कर दें इसको, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे जो है 204 है तो 180 प्लस 24 कर दें इसको, 180 प्लस 24 204 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस जो 300 है तो 360 − 60 कर देते हैं इसको, सब नॉन वैल्यू में आ जाएगा। देखिए कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री, अच्छा कॉस 180 − θ कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में क्या होता है, साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, इसको लिख दें −cos 5। अच्छा 180 + θ क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें टैन कॉट प्लस होता है बाकी सब माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, और कॉस 360 − θ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मतलब फोर्थ में क्या होता है, कॉस एक प्लस बाकी सब माइनस। अगर देखें तो कॉस 5 से कॉस 5 कट गया, ये भी कट गया, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया अपना ए ऑप्शन,
बन जाएगा भाई इस तरह क्वेश्चन। क्लियर है सबको, मजा आ गया सोल्यूशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट, अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए इस टाइप में। एक चलिए क्वेश्चन ये भी आ रहा है, ये क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/4 देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है और यार अभी जेई का क्वेश्चन है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, सबका वैल्यू डालेंगे, सो सिंप्लीफाई करना है और क्या, बस सावधानी पूर्वक करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, टेन 60 वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर तो कितना 3, आप डायरेक्ट लिखें इसको माइनस टेन 45 कितना होता है 1, अच्छा टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना 3, साइन 30 1/2 तो 1/4 हो जाएगा प्लस साइन 45 होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा। तो इसको कितना जाएगा जी 3 - 2 ये हो जाएगा -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 ना सॉरी यहाँ काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 ठीक है, प्लस माइनस दोनों कट गया ये हो जाएगा -2 3 × 4/2 कितना होता है 2 होता है, आंसर कितना आ गया 0। जो देखने में लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन, देखिए सोल्यूशन कुछ था, आया समझ में सबको मस्त तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल। देखिए क्वेश्चन है ए बी ग्रुप डी का सवाल है कि जब कोण अल्फा और 45 डिग्री हो तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग कितना है, मतलब सभी 6 का, तो 6 क्या होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इसका सबका योग पूछ रहा है और क्या। बहुत ईजी सवाल है लेकिन लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा जी ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और फिर इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है ये होता है कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉस का क्या होता है सेक 45 डिग्री और प्लस टेन का क्या होता है कॉट 45 डिग्री, बस इसी का योगफल पूछ रहा है। तो साइन 45 कितना होता है भाई 1/√2, कॉस 45 कितना हो ये भी होता है 1/√2, टेन 45 1, कोसेक 45 का उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए 1 × 1 = 2, 2/√2 कितना होता है √2 हो गया प्लस 1 प्लस 2√2 प्लस 1 तो कितना जाएगा 2 × 3√2 प्लस 2, तो आंसर कौन सा लग रहा है 3√2 प्लस 2, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आ गया अपना पहला ऑप्शन, ये आपका ग्रुप डी का सवाल था। क्लियर भाई, तो टाइप 4 हम लोग का हो चुका है फिनिश, ठीक है टाइप 4 हम लोग का हो गया ख़त्म। अब इसमें एक बच जाएगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस का बच जाएगा और एक हम लोग का टाइप 6 बच जाएगा, ठीक है उसके बाद हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का द एंड हो जाएगा, ठीक है उसके बाद हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है, ठीक है सबके लिए, आपको जो विचार होगा राय होगा कि और कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का मतलब टाइप 4 क्लियर हो गया, टाइप 5 और टाइप 6 एक हाइट एंड डिस्टेंस का बताता है, उसमें भी हम लोग ट्रिक बताएंगे कैसे ट्रायंगल का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को उड़ाना होता है सेकंड में, ठीक है। तो वीडियो बन रही इसी तरीके से, चैनल पर प्यार दुलार बनाए रखिए और अपना सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है क्योंकि सपोर्ट हम लोग को मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।